Yes, it's Saturday with Faraz Server. कैसे सब आप ठीक ठाक हैं? आज का छोटा सा एक टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ. टिप इज़ दैट हम लोग मोस्टली वीडियोज़ में देखते हैं कि कैमरा जो है ऑब्जेक्ट के जूम इन और जूम आउट हो रहा होता है. होता ये था कि बड़ी बड़ी डॉलीज होती हैं कैमरा के, उसके ऊपर माउंट किया जाता है और फिर उन डॉलीज को मूव किया जाता है ऑब्जेक्ट की तरफ और मूव बैक किया जाता है, तो वो एक फिक्शन बन रहा होता है, वो एक जूम इन और जूम आउट का सीनियर बन रहा होता है. फिर स्लाइडर्स आए हैं जो कि स्लाइडर्स कैमरा के ट्राईपॉड के ऊपर रखे जा रहे होते हैं और उन स्लाइडर्स के ऊपर जो है कैमरा को मूव किया जा रहा होता है, स्लाइडली जूम इन किया जा रहा होता है ऑब्जेक्ट को और स्लाइडली जूम आउट किया जा रहा होता है. और उसके अलावा ये है कि एक पीको डॉली भी मैंने आपको दिखाई, पीको डॉली भी आती है. स्लाइडर ज़ाहिर है एक्सपेंसिव है, कोई ले नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, तो पीको डॉली लेता है. हार्डली 35 या 4 हज़ार की पीको डॉली आती है, लेकिन उसकी आम भी फिर 3,000-3500 तक की आती है, तो ये आई थिंक 7,000 या 8,000 की पड़ जाती है. तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि टिप एंड ट्रिक ये दे रहा हूँ कि आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करें, उसमें आप अपनी वीडियो को जो है स्केल करके आप उसको यूज़ कर सकते हो. आप स्केलिंग कर सकते हो उसकी, जूम इन स्केल रख कर जो उसकी एक्चुअल जो उसकी डायमेंशन है उससे हट के आप स्केल इन करके उसको आप बिल्कुल कम्प्लीटली उसका की फ्रेम लगा देते हैं. और फर्स्ट की फ्रेम लगाने के बाद आप ये करें कि उसके एंड पे आप उसके स्केल को वापस 100% पे लेके आते हैं. तो जब आपकी जितनी आपकी स्केलिंग जो है जितना उसका डिस्टेंस होगा वो स्लाइडली जूम इन और जूम आउट हो रहा होगा. दैट्स इट फॉर टुडे एंड होपफुली आपको ये टिप जो है यूज़फुल होगी. कीप इन टच.